हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ट्रैफिक सिग्नल। इससे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था कि उसने क्या दिया था क्वेश्चंस में कि ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइन का मतलब है, चालक को क्या करना चाहिए अगर ट्रैफिक में रेड लाइन जल जाए तो चालक को क्या करना चाहिए, इसके लिए इन्होंने क्वेश्चंस दिया था। तो आज मैं ट्रैफिक के जो ये सिग्नल्स के जो ये तीनों लाइट्स होते हैं, इन लाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि वीडियो इसमें येलो लाइट्स जल रही है। तो येलो लाइट्स का मतलब ये होता है, यानी येलो लाइट्स का मीन्स किसी भी जो गाड़ी चलाने वाला जो चालक है उसको ये दर्शाता है कि आप गाड़ी को काफ़ी दूर से ही कंट्रोल में लेना शुरू कर दीजिए। सिग्नल के पास या जहाँ सिग्नल लगा हुआ है वहाँ क्रॉसिंग के पास पहुँचने तक अपने गाड़ी को आप एक्टिव कर लीजिए। आपके गाड़ी के पास ब्रेक है भी या नहीं है, काफ़ी कितने लोग होते हैं कि वो काफ़ी तेज़ चलते हैं, चलते चले जाते हैं। लेकिन येलो सिग्नल का मतलब ये होता है कि चालक को इंडिकेट किया जाता है कि भाई चालक जो है वो अपने आप को एक्टिव रखे और अपने ब्रेक्स वगैरह को चेक कर ले, जिससे वो आगे जाके सिग्नल पे आकर के वो रुक जाए। सिग्नल पे रुक कभी भी रेड लाइट जल सकती है। येलो लाइट जलने का मतलब ये है कि कभी भी आगे येलो लाइट रेड लाइट जल सकती है। तो इसमें क्या चालक को ध्यान देना चाहिए कि आपको पहले से ही अपनी गाड़ी को कंट्रोल में ले लेना चाहिए यदि येलो लाइट जल रही है तो। अब बात करते हैं रेड लाइट की। अगर रेड लाइट जल गई तो रेड लाइट का मतलब होता है आप जहाँ पे हैं वहीं खड़ा हो जाइए। इतना मतलब होता है कि चालक अपनी गाड़ी को जहाँ रखा हुआ है वहाँ पे ड्राइवर अपने जिस भी व्हीलर से है, पैदल के लिए तो नहीं है लेकिन अगर माना ये जाता है तो परिवहन के अकॉर्डिंग जो अधिनियम है, जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अगर आप अपने रेड लाइट जला है तो आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पर रुक जाइए। और आपके जो हरे लाइन कलर्स के जो लाइट जलते हैं, जो सिग्नल जलते हैं, हरे का मतलब ये होता है कि आप चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ना ही रुकना है और ना ही चलना है। बस ध्यान इतना देना है कि जो क्रॉसिंग जहाँ पे सिग्नल लगाई गई है वहाँ पे अपने गाड़ी की एक नियत चाल से चलना है, ना रुकना है ना कुछ करना है, लेकिन उतने स्पीड में नहीं जानी है क्योंकि वो खतरा का स्पेस था, वहाँ पे डेंजरस थे, इसलिए वहाँ पे डेंजर प्लेस था, इसलिए वहाँ पे सिग्नल लगाए गए। तो सिग्नल को लगाने के बाद अर्थात तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को अपनी गाड़ी के स्पीड्स को आप लो कर देंगे और फिर कंटिन्यू चलते जाएंगे, ना आपको रुकना है ना कुछ करना है। ये ग्रीन का मतलब होता है। तो ग्रीन लाइट अगर आपकी सिग्नल में जल रही है तो इसका मतलब होता है आप कंटिन्यू चलते रहिए, लेकिन आप उस सिग्नल के प्लेस पर जहाँ पे लाइट लगी है वहाँ पे अपने वाहन को आप एक कहें तो स्लो मोशन में कर लीजिए और आप कंटिन्यू चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तीनों सिग्नल का आपको मीन्स डायरेक्टली बता दिया हूँ कि तीनों सिग्नल का मीन्स क्या है। तो एक बार मैं और आइडेंटिफाई आप लोग को करा देता हूँ कि जो येलो सिग्नल इस समय जल रही है, येलो सिग्नल का मतलब होता है कि आप अपनी गाड़ी के वाहन को दूर से ही आप कंट्रोल में कर लीजिए, कभी भी रेड लाइट जल सकती है अर्थात अपने वाहन को रोकना पड़ जाएगा। इसलिए चालक को येलो लाइट दूर से देखने पे अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, उनको चलते रहना चाहिए, लेकिन कभी भी रेड लाइट जल सकती है, ये येलो लाइट का सिग्नल होता है। रेड लाइट का मतलब होता है रुकना, जो आप सभी जानते हो कि चालक को अपनी गाड़ी को रोक देना चाहिए जैसे ही रेड लाइट चले। और ग्रीन लाइट का मतलब ये होता है कि ग्रीन लाइट का मतलब है आप कंटिन्यू चलते रहिए। तो ठीक है, थैंक यू, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं इस वीडियो को क्रिएट किया क्योंकि सीजीएल मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आया था और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो सिग्नल्स के ये पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोग को तीनों रेड लाइट्स क्लियर हो गया होगा और यातायात के इन्हीं नियमों का पालन करें, नियम का उल्लंघन ना करें। और थैंक यू, वेलर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।